एक ऑप्शन बायर को साइडवेज मार्केट सबसे ज्यादा परेशान करता है दोस्तों। साइडवेज मार्केट में मार्केट अगर ऊपर जा रहा है तो लोगों को लगता है कि यहां से रेंज का ब्रेकआउट हो गया है, तो लोग कॉल बाय करते हैं, स्टॉप लॉस हिट होता है। नीचे का ब्रेकआउट होता है, उनको लगता है कि मार्केट अब नीचे जाएगा, पुट बाय करते हैं, स्टॉप लॉस हिट होता है। एक साइडवेज मार्केट दोस्तों ऐसी चीज है जो ऑप्शन बायर के लिए हमेशा एक शकुनी मामा वाला काम करती है। तो जहां पर आपको गलत सिग्नल्स देती है, गलत आपको धारणाएं आपके मन में पैदा करती है, लगता है कि मार्केट का ब्रेकआउट हो गया, तो क्या एक ऑप्शन बायर साइडवेज मार्केट को मार्केट के पहले से या ट्रेड लेने के पहले से परख सकता है, आज इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सिद्धार्थ और आप देख रहे हैं स्टॉक स्कूल यूट्यूब चैनल। अब साइडवेज मार्केट दोस्तों बहुत बड़ा एक चैलेंज होता है एक ऑप्शन बायर के लिए। तो इसको हम कैसे पता लगा सकते हैं कि मार्केट आज ट्रेंडी होगा या साइडवेज होगा? ट्रेंडी मार्केट में तो ऑप्शन बायर बढ़िया पैसा कमा लेगा, फिर लोग बोलते हैं कि यहां पर हमने 100 रुपए का प्रीमियम 500 में बेचा, ठीक है, बोलते हैं ना। लेकिन एक ऑप्शन बायर 100 रुपए का प्रीमियम ना मार्केट वहीं रहता है, उसके डायरेक्शन में भी नहीं जाता है, लेकिन टाइम डिके की वजह से वो 80 रुपए 70 रुपए का हो जाता है, तो वहां पे एक ऑप्शन बायर फंस जाता है। तो आज जानने की कोशिश करते हैं 3 मेजर पॉइंट्स पे जिनकी मदद से आप साइडवेज मार्केट से बच सकते हैं, गलत ट्रेड करने से बच सकते हैं। तो सबसे पहली चीज दोस्तों, साइडवेज मार्केट क्या होता है आप लोग जानते हैं, मार्केट का कोई एक क्लियर डायरेक्शन नहीं होता है। मार्केट ना तो ऊपर जाता है अच्छे से, ना नीचे जाता है, हल्का सा ऊपर जाता है फिर नीचे आता है। तो यहां पर आपको एक क्लियर डायरेक्शन नहीं मिल सकता। तो इससे बचने का सबसे पहला तरीका है, मार्केट में आप खुलने के बाद प्रीवियस डे का हाई, मतलब ये देखो यहां पे क्या दिख रहा है आपको, ये कल का मार्केट है और ये जो है ये आज का मार्केट है, ठीक है। अब मेरे पास यहां पे एक पार्टीशन दिख रहा है आप लोगों को, तो ये पार्टीशन है डे वाइज पार्टीशन, ठीक है, मतलब ये कल का चार्ट है, ये आज का चार्ट है। अब मुझे क्या करना है, मार्केट यहां पे खुला, खुलने के बाद मेरा पहला कार्य जो होगा वो ये होगा कि मुझे प्रीवियस डे का हाई और प्रीवियस डे का लो मार्क करना है। अब बहुत लोग पूछ रहे होंगे सर ये बहुत बेसिक नॉलेज है। नहीं सर, ये बहुत बेसिक नॉलेज नहीं है, ये मार्केट को ट्रेंडी या साइडवेज पता लगाने का सबसे बेहतरीन तरीका है, ठीक है। तो यहां पर आपको क्या करना है, पहला काम, मार्केट खुला, मार्केट खुलने के तत्पश्चात आपको क्या करना है, यहां पर प्रीवियस डे का जो हाई दिख रहा है, मुझे ये पॉइंट दिख रहा है हाई और ये मुझे लो पॉइंट दिख रहा है, तो मैं क्या करूंगा, यहां से बढ़िया वाली एक लाल कलर की या पीले कलर की हॉरिजॉन्टल लाइन खींच दूंगा। तो यहां से मैंने एक लो मार्क कर लिया और एक यहां से मैंने हाई मार्क कर लिया। अब ये मैंने मार्क कर दिया, अब यहां से मार्केट में आपको ये पता लग जा रहा है कि मार्केट कल के हाई और कल के लो के बीच में ट्रेड कर रहा है, मतलब प्रोबेबिलिटी है, चांसेस हैं कि मार्केट जो है वो साइडवेज हो सकता है। तो ऐसे केसेस में हम क्या करेंगे, ऑप्शन, जरूरी थोड़ी ना है कि रोज हम ट्रेड करें, किसने बोला है कि रोज ट्रेड करना है? रोज मैकडी का बर्गर खाते हो क्या या रोज डोमिनोज का पिज्जा खाते हो क्या? नहीं, जरूरी नहीं है कि आपको रोजाना ट्रेड करना है। गलत ट्रेड से बचना भी एक ट्रेडर की खासियत होनी चाहिए, और एक वो ट्रेडर की खासियत सक्सेसफुल ट्रेडर की होती ही है कि वो गलत ट्रेड नहीं लेता है। तो हम यहां पर चौपी मार्केट में ऑप्शन बाइंग या सेलिंग से, सॉरी ऑप्शन बाइंग में कॉल ले रहे हैं या पुट ले रहे हैं, उससे हम बच सकते हैं। तो यहां पे क्या हो सकता है कि प्रीवियस डे हाई प्रीवियस डे लो का ब्रेकआउट नहीं हुआ, मतलब हमको ट्रेड उस दिन नहीं करना है। अब बहुत लोग बोल रहे होंगे कि सर प्रीवियस डे हाई का ऊपर भी निकल जाता है और नीचे भी निकल जाता है, तो उस केस में भी मार्केट कई बार साइडवेज हो सकता है। तो अब बात करते हैं हम अपने दूसरे टॉपिक की। दूसरा टॉपिक क्या है, दूसरा तरीका यह है मार्केट में साइडवेज है या नहीं पता लगाने का। यह अभी यहां से मैं इसका एक बार वो ले लेता हूं, मैं आप लोगों को अच्छे से बताने की कोशिश करता हूं, इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना, तीसरा वाला पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तीसरे वाले पॉइंट तक आप लोगों को क्लैरिटी आ जाएगी कि मार्केट में हम साइडवेज से कैसे बचे। अब मार्केट में देखो यहां पर प्रीवियस डे का हाई तो ब्रेकआउट हो गया, अगर मैं प्रीवियस डे का हाई यहां से खींचूं, यहां पर मुझे दिख रहा है प्रीवियस डे का हाई है, अब इसके ऊपर निकल गया, तो क्या मार्केट ट्रेंडी हुआ क्या? नहीं हुआ, दिन भर मार्केट क्या हुआ, साइडवेज हुआ। तो यह है दूसरा तरीका। अब दूसरा तरीका क्या हो सकता है, मार्केट में शुरू की जो 15 मिनट की कैंडल होती है ना, 15 मिनट्स की, मतलब 9:15 बजे से लेकर 9:30 बजे तक की जो पहली कैंडल है, उसका हाई और लो मार्क कर लेते हैं, उससे क्या होगा, ये सेकंड कॉन्फर्मेशन है मार्केट साइडवेज हो सकता है। अगर उसका हाई और लो ब्रेकआउट नहीं हो रहा है, क्योंकि मार्केट ना अगर उसको मूव करना है ना तो वो मॉर्निंग आवर्स में ही कर जाता है। बहुत बार ऐसा आप लोगों ने देखा होगा, अगर आप लोग बैकटेस्ट करना जानते हैं तो पिछले चार्ट्स को देखिए, सबसे बड़े मूवमेंट जो मार्केट में आते हैं ना वो मॉर्निंग आवर्स में ही आते हैं। तो अगर आप एक ऑप्शन बायर हैं तो आपको अर्ली मॉर्निंग ये समझ में आ जाना चाहिए कि मार्केट जो है वो चॉपी होगा, ट्रेंडी होगा, साइडवेज होगा, कैसा होगा, ये एक एनालिसिस है जो आपके दिमाग में आनी ही चाहिए। तो यहां पर दूसरा हम क्या कर सकते हैं कि अगर ओपनिंग रेंज का ब्रेकआउट नहीं हुआ है,
ओपनिंग रेंज का ब्रेकआउट मतलब शुरू की 15 मिनट की कैंडल, जो 15 मिनट्स की कैंडल है इसका ब्रेकआउट नहीं हो रहा है, मतलब मार्केट जो है वो सेकंड कॉन्फर्मेशन है कि मार्केट जो है वो साइडवेज हो सकता है। यहां पे भी आप देखोगे तो ओपनिंग रेंज का ब्रेकआउट यहां पे आ रहा है, उसके बाद मार्केट ऊपर चले जा रहा है, फिर यहां पे नीचे कहीं पे आ रहा है और ऊपर चले जा रहा है। अब बहुत सारे लोग ऐसा बोलते हैं ना कि यहां पे सर ब्रेकआउट हो गया, अब मैं एग्जैक्ट एकदम डॉट लाइन लगाऊंगा यहां पे, तो यहां पे आपको कहीं पे दिख रहा होगा कि ये तो नीचे ब्रेकआउट हो गया, तो क्या यहां से मार्केट ट्रेंडी हो जाएगा, मतलब ये तो नीचे ब्रेकआउट हो गया। तो इससे भी बचने का एक और तरीका है जिसको बोलते हैं हम तीसरा तरीका। अब तीसरा तरीका विद द हेल्प ऑफ ऑप्शन चेन हम कर सकते हैं। अब ऑप्शन चेन तो आप लोगों को पता ही है, जिन लोगों ने मेरा ऑप्शन चेन वाला वीडियो नहीं देखा है मैं आई बटन पे आप लोगों को दे दूंगा कि ऑप्शन चेन को कैसे स्टडी करना है, कैसे रीड करके हम मार्केट के डायरेक्शन या मार्केट साइडवेज है वो भी पता लगा सकते हैं। तो तीसरा तरीका है दोस्तों ऑप्शन चेन की मदद से। तो ऑप्शन चेन क्या बोलता है वो अब हम लोग देख लेते हैं। अभी जैसे मैं कल का एग्जांपल ले लेता हूं, यहां पे अगर आप लोग देखेंगे निफ्टी को, यहां पे अगर आप लोग निफ्टी को देखेंगे तो मैं यहां पे निफ्टी का चार्ट खोलता हूं और निफ्टी के चार्ट में आप लोग देखोगे कल मार्केट जो था वो पूरा क्या था, साइडवेज था। यहां से सारी लाइंस जो है वो मैं एक बार हटा देता हूं। अभी निफ्टी का चार्ट हमने खोल लिया दोस्तों, निफ्टी के चार्ट में यहां पे आपको क्या दिख रहा है कि कल मार्केट जो था वो पूरा साइडवेज किस्म का था, मतलब मार्केट में कोई क्लियर डायरेक्शन नहीं मिला इवन आफ्टर कि मार्केट ने प्रीवियस डे का हाई का ब्रेकआउट दे दिया था। तो ऐसे केसेस से हम कैसे बच सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ऑप्शन चेन। अब मार्केट किस रेंज पे कामकाज किया वो देख लो, यहां पे आप लोग सुबह अगर देखेंगे तो मार्केट का ऊपर का रेंज था 250 के आसपास, 16250, और नीचे का जो रेंज बनाया था मार्केट ने वो बनाया था 16180, मतलब ऑलमोस्ट अगर मैं बोलूं तो दो स्ट्राइक। कैसे दो स्ट्राइक, कौन सा दो स्ट्राइक, एक हो गया 16250 और एक हो गया 16200। ये दो स्ट्राइक मुझे दिख रही है मार्केट में कि मार्केट में ये दो स्ट्राइक में कुछ ना कुछ घपला है, कुछ ना कुछ घपला है या कुछ ना कुछ बड़ा खिचड़ी पका हुआ है ऑप्शन राइटर्स के द्वारा, तो वो हमको पता लगाना है वो क्या चीज है, जानने की कोशिश करते हैं। देखो मार्केट खुला इस रेंज के आसपास जो है एग्जैक्ट 16220, मतलब 16200 की कॉल स्ट्राइक यहां पे क्या दिख रही है मुझे नियर बाय। तो 16200 की मैं कॉल और 16200 की पुट का डेटा मैं ऑप्शन चेन से निकाल के मुझे एक क्लैरिटी आ जाएगी। सुबह का डेटा तो मेरे पास अवेलेबल नहीं है लेकिन यहां से आपको एक आइटनरी मिल जाएगी कि मार्केट में कैसे चॉपिनेस जो है वो क्रिएट होती है। अभी यहां पे ऑप्शन चेन खुला है, जिन लोगों ने ऑप्शन चेन वाला वीडियो नहीं देखा आई बटन पे दे दूंगा, ऑप्शन चेन को रीड कैसे करना है वो देख लीजिए, उसके बाद फिर ये वाला वीडियो को देखिएगा। अभी यहां पे आपको दिख रहा है कि 16200 कहां है, 16200 एग्जैक्ट स्पॉट पे है। तो 16200 की यहां पे अगर मैं कॉल राइटिंग देखूं तो यहां पे क्या दिख रहा है मुझे, 86000 की कॉल राइटिंग यहां पे मुझे दिख रही है, मतलब 86000 की कॉल राइटिंग यहां पे दिख रही है। तो यहां पे पुट साइड पे भी देख लेते हैं, पुट साइड पे क्या दिख रहा है 79000। मैं जानता हूं आप लोगों को शायद वीडियो में क्लियर नहीं दिख रहा होगा लेकिन मैं यहां पे बता दे रहा हूं कि यहां पे जो है वो 79000 है और यहां पर जो है वो 86000 है, 86000 है। तो यहां पे एक क्लियर डायरेक्शन कैसे हो सकता है, कैसे हो सकता है मार्केट में कॉल राइटर्स चाह रहे हैं 86000, मतलब डबल से ज्यादा का डिफरेंस चाहिए मेरे को अगर मार्केट को ट्रेंडी होना है। तो मेरा पॉइंट आप लोग समझने की कोशिश कर रहे होंगे, मुझे चाहिए डबल से ज्यादा का डिफरेंस अगर मार्केट को ट्रेंडी होना है। तो कोई भी पॉइंट पे अगर मार्केट यहां पे 86000 लोग चाह रहे हैं कि मार्केट जो है वो नीचे जाए, 86000 लॉट्स का कारोबार हुआ है यहां पे, 79000 लॉट्स का कारोबार हुआ है, मॉर्निंग आवर्स में भी ऑलमोस्ट यहीं पे डेटा था, ऑलमोस्ट यहीं पे। इसको आप कल जो है वो लाइव मार्केट पे भी एक बार टेस्ट कर लीजिएगा तो आप लोगों को और क्लैरिटी आ जाएगी कि कैसे जब सेम स्ट्राइक पे कॉल राइटिंग और पुट राइटिंग बराबर की मात्रा में होती है तो मार्केट का जो चॉपिनेस है वो स्टार्ट हो जाता है और मार्केट एक रेंज पे कामकाज करता है। ट्रेंडी मूव कब आएगा, जब कोई एक, चाहे वो कॉल राइटर हो या वो पुट राइटर हो, कोई एक निकल के भागेगा या कोई एक अग्रेसिव होगा और जैसे ही डिफरेंस जो है वो बढ़ना शुरू हो जाएगा तब मार्केट जो है वो ट्रेंडी होना शुरू होता है। ये ऑप्शन डेटा की मदद से आप लोग यूज कर सकते हैं। अब यहां पे अगर हम चार्ट की बात करेंगे तो यहां पे मैं चार्ट खोलता हूं, अभी चार्ट में आप लोगों को क्लैरिटी आएगी कि मार्केट दिन भर क्या किया है, 16200 के रेंज के ही आसपास जो है वो कामकाज किया है। क्यों, पुट राइटर्स बराबर थे, कॉल राइटर्स बराबर थे, तो मार्केट में मूवमेंट कैसे आएगा, तो ये चीज आप लोगों को पता होना चाहिए। ये किसी भी स्टॉक में, किसी भी इंडेक्स में आप लोग जिनमें ऑप्शंस का अच्छा वॉल्यूम होता है वहां से आप लोग ऑप्शन चेन की मदद से साइडवेज मार्केट को कैसे सही तरीके से इस्तेमाल करना है वो चीज यहां पे आप लोग जान सकते हैं। 16200 से मार्केट यहां पे नीचे आया, कितना नीचे आया, 20 पॉइंट नीचे आया, लोगों को लगता है ब्रेकआउट हो गया, पुट बाय करेंगे, स्टॉप लॉस सेट हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसा हमको नहीं करना, हमको एटलीस्ट कोई भी ट्रेड लेने के पहले जितना ज्ञान लेना है, जितना संघर्ष करना है उस समय कर लो, ट्रेड लेने के बाद आपके हाथ में मार्केट नहीं है, ठीक है। तो ट्रेड लेने के पहले ये तीन चीजें देख लो कि मार्केट कहीं साइडवेज तो नहीं होगा, नहीं तो हम ऑप्शन बायर, हमारा क्या होगा, लॉस हो जाएगा और थीटा डीके की वजह से हमको अलग से इंपैक्ट पड़ेगा।
अगर हमारे डायरेक्शन में नहीं गया तो लॉस तो अलग से होगा, प्लस थीटा डीके की वजह से भी लॉस हो सकता है। तो ये हुए वो तीन टॉपिक्स जिनमें आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि मार्केट साइडवेज है या नहीं है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो पसंद आया, अगर पसंद आया है तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जयराम जी की।